अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से डुप्लीकेट डेटा जो होता है किसी भी वर्कशीट में उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर हम ये डाटा सेट में देखें तो ये स्टूडेंट डिटेल है, जिसमें असद, अरमान, सुबहान, आकाश, मुनीब, दुआ, इशाल, उसके बाद फिर अरमान, सुबहान, आकाश, मुनीब। अब अगर मैं इसको देखूं तो अरमान, सुबहान, आकाश, मुनीब, ये 2, 3, 4, 5 ये रोज़ हैं, और ये रोज़ इधर कॉपीड हैं दोबारा। तो हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं डुप्लीकेट डेटा को, उसको डिलीट करने के लिए दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है डिलीट करने का, वो ये है कि आप अपने डेटा सेट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे डेटा टूल्स में आपके पास रिमूव डुप्लीकेट है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा सिलेक्ट कॉलम ए, माई डेटा हैज़ हेडर, इस पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। तो ओके करने पे आपके पास जो डुप्लीकेट डाटा था वो डिलीट हो जाएगा और जो ओरिजिनल डाटा था वो मौजूद रहेगा। ये है फर्स्ट मेथड जिसके ज़रिए से आप जो डेटा है उसको डिलीट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक डेटा सेट मौजूद है, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो डिलीट हो जाएं। इसके लिए जो दूसरा मेथड है उसको यूज़ करते हुए उसको डिलीट करेंगे। इस डेटा सेट है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद होम पेज पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हाईलाइट सेल रूल में आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो शो हो जाएंगी। अब डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं इसको डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्मेट सेल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए कौन सी जो सैक कलर है वो यूज़ हो, तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। अब उसको करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट हो गई है। इस डेटा सेट को सिलेक्ट करके आप डेटा पे जाएंगे। अब ये जो है डेटा में जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद डेटा पे जाएंगे और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद जब ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एरर आ रहा है कि नो डुप्लीकेट वैल्यूज आर फाउंड। अब एज ए डाटा सेट इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो सीरियल नंबर है वो डिफरेंट है। अगर सीरियल नंबर सेम होते तो आपकी वो डुप्लीकेट वैल्यू होनी थी। अब अगर मैं सिर्फ इस कॉलम को सिलेक्ट करूँ, इस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूँ तो वो ये कह रहा है कि आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं सिलेक्शन को, क्योंकि जो यहाँ पे सीरियल नंबर है वो डिफरेंट है बट नेम्स सेम है। तो मैं ये कहता हूँ कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, कि मेरा जो मैंने ये सिलेक्ट किया कॉलम सिर्फ इसी के साथ ही कंटिन्यू करें। तो रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो डिलीट हो जाएंगी और ओरिजिनल जो वैल्यूज हैं वो सेम ही रहेंगी और वो सेव रहेंगी। ये दो मेथड हैं जिसके जरिए से हम डाटा को रिमूव कर सकते हैं जो कि डुप्लीकेट फॉर्म में हो।